नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेड बेसन से 5 मिनट ब्रेकफास्ट रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ, जिसे कि आप फटाफट बनाकर नाश्ते के तौर पे खा सकते हो और खाने के लिए भी एकदम बढ़िया लगता है। तो फिर चले बनाना शुरू करें। इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग आधा कप बेसन और सेम क्वांटिटी में गेहूं का आटा। अभी इसमें स्वादानुसार नमक डाल के आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालना है। अब आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के इन डाले हुए सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। अब इसमें डालना है पानी, तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिलाना है ताकि इसमें लम्स ना रहे और हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बन जाए। तो हमें इस बैटर को चीले के बैटर जैसा बनाना है, तो आप भी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर बना लीजिए। ये देखिए, हमें इस तरह का बैटर चाहिए। तो अभी इसमें डालते हैं कुछ वेजिटेबल, जिसमें है बारीक कटी हुई एक छोटी शिमला मिर्ची और बारीक कटा हुआ आधा प्याज। अब डालेंगे चॉप किया हुआ आधा टमाटर और बारीक कटी हुई दो हरी मिर्ची डाल के कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा गाजर भी डालेंगे। अभी थोड़ा हरा धनिया डाल के इन सभी चीज़ों को हम इस बैटर में अच्छे से मिलाएंगे। तो अभी हमें इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत है ना कुछ और चीज़ें डालने की, क्योंकि हमारा ये बैटर एकदम परफेक्ट बना है। अब इसे साइड में रख कर ये मैंने व्हाइट ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, जिसे कि हमें काट लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्लाइस को काट के दिखा रहा हूँ। आप जितने चाहे उतने स्लाइस लेकर इस तरह बीच वाले व्हाइट पार्ट को काट कर एजेस और व्हाइट पार्ट को अलग करिए, और बाद में हमें एजेस और इस व्हाइट पार्ट को यूज करना है। तो अभी हम पैन में थोड़ा सा बटर डाल के हल्का सा मेल्ट करेंगे। आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या है कि बटर से टेस्ट बढ़िया आता है। तो तेल या बटर आपने जो भी डाला है उसे डाल के पहले इस तरह एजेस को सेट करिए, और बाद में जो हमने बैटर बनाया है उसे ऐसे एजेस के बीच में डाल दीजिए। इस समय हमें फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखना है, और पसंद हो तो ऊपर से थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज़ डालिए, नहीं तो आप स्किप करिए। अभी इसके ऊपर व्हाइट पार्ट को रख कर हल्के से प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, ये नाश्ता कम से कम समय में बन के तैयार होता है, तो आप इसे ज़रूर बना के देखें। अब इसके ऊपर हम बटर को लगाएंगे, और बटर लगाने के बाद इसे हल्के से सेक लेना है। अब इसे दूसरे साइड पलट के दूसरे साइड से ऐसे प्रेस करते हुए एक मिनट तक सेक लेंगे, यानी कि नीचे की ओर से क्रिस्पी बनने तक सेक लेना है। तो एक दो बार अलट पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड से बढ़िया सिक चुका है, यानी कि हमारा नाश्ता बनके तैयार है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।